नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। आईसीसी द्वारा जारी ताजी महिला टी20 रैंकिंग्स में भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन रैंकिंग हासिल की है। रेणुका के अलावा जेमिमा टॉप 10 में पहुंच गई हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज बेथ मुनी बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला टीम का बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, जहां पर भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार क्रिकेट में पदक मिला था। भारतीय टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ 9 रन से हार गई थी, जिसकी वजह से टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाली रेणुका ठाकुर ने आईसीसी रैंकिंग में काफ़ी ऊंची छलांग लगाई है और अभी तक की सबसे बेस्ट रैंकिंग पर पहुंच गई हैं। रेणुका ठाकुर अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर 10 स्थानों की छलांग लगाकर अब 18वें स्थान पर पहुंच गई हैं। रेणुका ने राष्ट्रमंडल खेलों में घातक गेंदबाजी करते हुए 5 मैचों में 11 विकेट हासिल किए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और बारबाडोस के खिलाफ 4-4 विकेट लिए थे। हालांकि टॉप 10 में गेंदबाजों में भारत की तरफ से केवल दीप्ति शर्मा ही हैं। स्पिन गेंदबाज इस समय 6 स्थान पर हैं। इसके अलावा राधा यादव 12वें नंबर पर हैं। वहीं इंग्लैंड की तेज गेंदबाज सोफी एकलस्टोन टॉप पर काबिज है। अगर बल्लेबाजों की रैंकिंग की बात करें तो भारत की जेमिमा रॉड्रिक्स पहली बार टॉप 10 में शामिल हुई हैं। जेमिमा का कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन रहा था। वहीं भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना 2 स्थान नीचे आकर 4थे स्थान पर पहुंच गई हैं और उनकी साथी खिलाड़ी शिफाली वर्मा 6थे स्थान पर हैं। वहीं भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर 15वें स्थान पर हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज बेथ मुनी टॉप पर बनी हुई हैं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।